हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फॉल मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आप देखना चाहते हैं तो चलते हैं अपने मेकअप की तरफ। ओके, सो सबसे पहले तो मैं अपने हेयर डाई कर रही हूँ ताकि मुंह पे बाल ना आए। मुंह पे बाल आएंगे तो मेकअप ख़राब होगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ हाइड्रा फ्रेश। ये एंटी शाइन है, इट्स टोटल मैट, लॉरियल पैरिस का है और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और तो और मेकअप प्रोडक्ट्स की वजह से जो आपकी स्किन पे डैमेज होता है वो भी कम होता है, इससे बिल्कुल ही नहीं होता क्योंकि मॉइस्चराइज होता है आपका फेस। मैंने अप्लाई कर लिया है इसे अपने फेस पे और अब मैं यूज़ करूँगी पार्टी क्वीन का प्राइमर। ये ऑल मैट प्राइमर है, ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देता है अप्लाई करने के बाद और आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से टिकती है इस पर और एक स्मूथ और फिनिश लुक देता है और आपके पोर्स को भी अच्छे से फिल कर लेता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन फिट मी का फाउंडेशन, 130 शेड में है, थोड़ा सा वार्म शेड है, मतलब डार्कर शेड है मेरी स्किन टोन से, बट आई एम गोना बी यूजिंग दिस। ये है फाउंडेशन ब्रश जो कि मैंने लोकल मार्ट से बाय किया था एंड इट्स फॉर आई गेस 150 रुपीज़। तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है एंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है मेरे स्किन पे। अब मैं और ज़्यादा अपने फाउंडेशन को सेटल करने के लिए इसको मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा ब्लेंड आउट करूँगी एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन फिट मी का कंसीलर, शेड नंबर 25 है। इसको अच्छे से मैंने अपने डार्क स्पॉट्स पे जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग करनी थी अपनी फेस के एरियाज़ को वहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम गर्ल का सेटिंग पाउडर, ट्रांसलूसेंट शेड है इसका और ये आपको ग्लैम गर्ल बाय मेविश की ऑफिशियल साइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर यूज़ किया है वो एरियाज क्रीस ना करें और एक्सेसिव जो है वो मैं हटा रही हूँ अपने ब्रश से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिसरोस का कंटूर पैलेट और ये पाउडर फॉर्म में, इट्स नॉट अ क्रीमी कंटूर पैलेट। अब मैं अच्छे से कंटूरिंग करूँगी अपनी चीक्स की ताकि मेरी जो चीक बोन्स हैं वो थोड़ी सी हाइलाइटेड दिखे। और अब जो है मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ रिवाज कॉस्मेटिक का, पीच शेड में है ये। नाउ आई एम गोना बी यूजिंग मुआ ब्राउ किट, इससे जो है मैं अपने ब्राउज फिलअप कर रही हूँ। और अब मैंने यूज़ किया है स्पूली ब्रश ताकि मेरे ब्राउज अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाएं और कोई शार्प लाइंस ना दिखे। अब मैं वही मेबिलिन फिट मी का कंसीलर लेके अपने ब्राउज को कंसील कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा और प्यारा सा डिफाइन लुक आए और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं इस वक्त मेरे ब्राउज। अच्छा जी, ये रही पैलेट जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ अपने मेकअप के लिए, अपनी आई मेकअप के लिए। तो ये है जेम्स चार्ल्स की पैलेट और सबसे पहले मैं जो शेड ले रही हूँ वो है येलो पे, येलो शेड है ये और इसको मैं अपनी पूरी जो मेरी आई है क्रीज पे और जो मेरी ब्राउ बोन है वहाँ तक मैं थोड़ा सा ले जाके इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ब्राउन शेड, मतलब थोड़ा सा डार्कर ब्राउन ऑरेंज शेड है। पहले वाले आई शेड के साथ मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी येलो जो आई शेड मैंने पहले अप्लाई किया था उसके साथ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट ब्राउन में शेड है, थोड़ा सा डार्क शेड है ये और इसको अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी पहले टू शेड्स के साथ। अब मैं ले रही हूँ बर्गंडी शेड और इसको पहले फ्लैट ब्रश से मैं अपनी क्रीज पे एक लाइन की तरह ड्रॉ करूँगी और अपने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से जो है मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, पूरी आई पे नहीं, जस्ट अपनी क्रीज पे। और अब मैं ले रही हूँ कंसीलर अपनी आईज़ को कट करने के लिए क्योंकि ये एक कट क्रीज फॉल मेकअप ट्यूटोरियल है तो मुझे कट करना पड़ रहा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कार्ली बाइबल का गोल्डन में शेड है ये, तो शिमर शेड है ये, इसको मैं अप्लाई करूँगी जहाँ मैंने कट की अपनी आईज। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का ड्यूप आईलाइनर, वाटरप्रूफ है ये भी एंड आई रियली लाइक इट, ये बहुत ही अमेजिंग लाइनर है, मुझे तो बहुत पसंद है तो आई कैन लाइक इट। तो मैं विंग लाइनर बना रही हूँ
अब मैं वही डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी आईज पे अप्लाई करूंगी जहाँ पे मैंने कट किया था वहां पर, और अपने आईलाइनर के साथ इसको स्मच करूंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का द कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा एंड इट्स अमेजिंग। यहाँ मैंने यूज किए हैं अमेज फैक्टर के 5D लैशेस, और अब मैं वही यूज कर रही हूँ ब्राउन शेड और अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी आईज थोड़ी बड़ी दिखे। और अब मैं यूज कर रही हूँ कार्ली बाइबल के हाइलाइटर शेड्स, और इनको मैं अपनी चीक्स पे, अपनी ब्राउ बोन पे, नोज पे, हर जगह मैंने अप्लाई किया जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना था। इनर कॉर्नर ऑफ द आईज को भी मत भूलिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इस जगह पे हाईलाइट करना। अब मैं यूज कर रही हूँ मिस रोज का लिप मैट, और ये थोड़ा सा डार्क शेड है, रेड ब्राउन शेड कह लें आप इसको, तो इट्स लाइक दैट। और इसको मैं अच्छे से अपने लिप्स पे यूज करूंगी। नाउ आई एम गोना बी यूजिंग मैक प्रेप एंड प्राइम सेटिंग स्प्रे, और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी ताकि मेरा जो मेकअप है वो देर तक सेट रहे और मेरे बाल यहाँ अच्छे नहीं लग रहे। तो आपने देख लिया मैं बाल बना के आ गई जल्दी से, चुटकी बजाई और मेरे बाल बन गए। काश कि ऐसा रियल लाइफ में भी होता बट इसके पीछे भी बहुत मेहनत लगी है, सो प्लीज डू अप्रिशिएट इट। तो आप मेरा मेकअप देख सकते हैं, ये था मेरा आज का फॉल मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत। तो थोड़ा सा क्लोजअप देख लें, थोड़ा सा दूर से देख लें। यहाँ मैंने ब्रेड बनाई थी अपनी, और पीछे मैंने बन बना लिया, तो दैट्स माई हेयर स्टाइल फॉर टुडे। तो आई होप आप लोग को मेरा आज का मेकअप अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप लोग मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि मैं और कौन कौन से मेकअप लुक्स करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।